बदल डाले। आज से पहले चुनाव होता था तो क्या होता था, मुझे अपने बचपन में याद है, जब भी चुनाव होता था इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी जाति के ये इतने लोग हैं, इसमें इतने जाति के लोग हैं, इसमें इतने जाति के लोग हैं, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, वोट बैंक की राजनीति पर राजनीति करती थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन मोदी जी ने चुनाव की और देश की और राजनीति की संस्कृति बदल डाली। ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने कहा कि हम चुनाव में जाएंगे तो जनता के सामने अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे, अपने द्वारा किया गया कार्य को बताते हुए जाएंगे, इस बात को उन्होंने कहा। और आज मैं आपके पास आया हूं, मुझे याद है 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1,25,000 का पैकेज दिया था, 25,000 करोड़ का पैकेज दिया था, कि नहीं दिया था, घोषणा की थी कि नहीं की थी, पीछे से आवाज आए, घोषणा की थी कि नहीं की थी। उस समय हमारे विरोधी बोलते थे ये 1,25,000 करोड़ का पैकेज कैसे होगा। आज मैं आपको बताने आया हूं कि पिछले 5 साल में किसानों के वेलफेयर के लिए 3,094 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज मैं आपको बताने आया हूं कि शिक्षा में 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज मैं आपको बताने आया हूं कि स्किल डेवलपमेंट में 1,550 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज मैं आपको बताने आया हूं कि स्वास्थ्य विभाग में, जिसके बारे में संजय जायसवाल बोल रहे थे, मित्रों आपके यहां 70 साल में 4 मेडिकल कॉलेज खुले थे और 4 में भी एक ही मेडिकल पटना कॉलेज का मेडिकल कॉलेज था जो सरकारी था, बाद में 3 मेडिकल कॉलेज टेक ओवर किए थे, 3 मेडिकल कॉलेज। आज बिहार में मोदी जी के राज में 2014 के बाद 2020 तक 14 मेडिकल कॉलेज बिहार को मिले हैं, 14 मेडिकल कॉलेज मिले हैं और 11 पर काम चल रहा है। 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया है, 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। आप जो प्रेम कुमार जी बात कर रहे थे कि आपके अस्पताल में नया सुपर स्पेशलिटी बन रहा है, 250 करोड़ 300 करोड़ खर्च हो रहा है, ये सब कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब मोदी जी ने 600 करोड़ के अलावा ऐसे 10,000 करोड़ स्वास्थ्य विभाग के लिए दिया। इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। बिजली के लिए 16,000 करोड़ रुपए, सड़क के लिए 13,000 करोड़ रुपए, एयरपोर्ट्स के लिए 2,700 करोड़ रुपए, डिजिटल बिहार के लिए 500 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम गैस के लिए 21,000 करोड़ रुपए। मित्रों ये आपको मैं 1,25,000 करोड़ का रिकॉर्ड का जवाब देने आया। और इतना ही नहीं, 40,000 करोड़ रुपए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी जी ने पिछले 5 साल में खर्च किया है, ये हम आपको बताने आए हैं। दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस 1,200 करोड़ रुपए का। हमारी रेलवे लाइनें, अगर मैं रेलवे लाइन की बात करूं, सुपौल में कोसी का मेगा ब्रिज बन रहा है 516 करोड़ रुपए से, सीतामढ़ी में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है मुजफ्फरपुर तक 65 करोड़ से, कटिहार में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है 505 करोड़ से, समस्तीपुर में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है खगड़िया तक के लिए 95 करोड़ से, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है समस्तीपुर में दरभंगा जयनगर के लिए 135 करोड़ रुपए से, बेगूसराय में बरौनी इलेक्ट्रिकल लोको शेड बन रहा है 130 करोड़ रुपए का। ये 40,000 करोड़ रुपए अलग से